मेरा नाम डॉक्टर लवलीना है और आज मैं सप्लीमेंट्स की बात करूंगी। तो ये अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि क्या सप्लीमेंट सेफ हैं, क्या हमको खाना चाहिए, तो मैं उसी के बारे में आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आम धारणा है कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, पर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हमको नींद ठीक से नहीं आती, हमें जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं कमर में दर्द रहता है, काम करने की क्षमता नहीं है, या हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, हमारे जीभ पे छाले हैं, या माउथ के अराउंड क्रैक्स हैं, ये सब दर्शाते हैं कि हमारे खाने में पौष्टिकता का अभाव है। तो अगर हमें ये सब सिम्टम्स हैं, इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्योंकि WHO के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन है कि हमको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल वेलबींग चाहिए। सिर्फ बीमार ना होना नहीं कहलाता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। मोरओवर, आजकल हमारे को संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। जहाँ हमारा खाना बनता है, जिस खाद में उगता है, वहाँ पौष्टिकता की कमी हो गई है। बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, जिससे कि पौष्टिकता पे प्रभाव पड़ता है। वैसे ही पहले कहा जाता था डॉक्टर एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, पर आजकल एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से बचाव नहीं होगा, आजकल 5 सेब खाएंगे तो शायद डॉक्टर से बचाव होगा। धीरे धीरे पौष्टिकता हमारे खाने में कम हो रही है। 1950 में 150 मिलीग्राम होता था वाइटामिन सी पालक में, और आजकल पालक वाइटामिन सी फ्री है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्रॉप्स में पौष्टिकता का अभाव है। सिमिलरली हमारे को एक संतुलित आहार बनाने का वक्त नहीं है हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के पास, तो हम लोग बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। हम लोग खाना तो अच्छा खाते हैं, पर सही मात्रा में नहीं खाते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड या पौष्टिक आहार में 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। तो हमारा जो संतुलन है वो सही नहीं है। तो हमें मिल रहा है पर सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। फिर सुपरसाइजिंग हो गई है, फास्ट फूड खाने लगे हैं हम लोग। खाना वो खाते हैं जिसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं पर पौष्टिकता नहीं है, जैसे कि एरिएटेड ड्रिंक्स, हमारे बच्चे जो भी खाते हैं आजकल, हम फल सब्जियां एडिक्वेट मात्रा में नहीं खा पाते हैं। तो इस सब से क्या हो गया है कि पौष्टिकता का अभाव हो गया है हमारे खाने में, और इसी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, हम लोग पीक परफॉर्मेंस पे अपना काम नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। सप्लीमेंट्स एक्चुअली विटामिन्स, मिनरल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कहते हैं, जो कि हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देता है। एक होता है रेकमेंडेड डेली अलाउंस, अगर हम उस मात्रा में लेंगे तो हम बीमारी से बचेंगे, पर अगर हम ऑप्टिमम मात्रा में लेंगे तो हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम कर पाएंगे। मतलब कि पास मार्क्स पे नहीं, 100 out of 100 हमारा स्वास्थ्य होगा, और हम सब चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य 100% अच्छा हो, तो इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। दूसरा सवाल है, सप्लीमेंट्स किसको लेने चाहिए? तो सप्लीमेंट्स सभी एडल्ट्स को लेने चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है। क्या सप्लीमेंट सेफ है, इसके क्या फायदे नुकसान हैं? तो जैसे मैंने बताया, सप्लीमेंट्स के फायदे हैं, ये हमें क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस के रिस्क को कम करता है, हमें पीक परफॉर्मेंस पे काम करने की मदद करता है, और हमारी जो भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनका रिस्क कम करता है। नुकसान तभी होता है अगर हम खुद से सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ सब स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो कभी भी अपने आप से मत लीजिए, अदरवाइज नुकसानदायक हो सकते हैं। डॉक्टर्स आपकी जांच करेंगे आपके एज के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से,
आपके शरीर में जो जो कमियां हैं उसके हिसाब से यू नो माल नाप के आपको सप्लीमेंट्स देंगे, राइट डोजेज में होने चाहिए, तभी उनका इफेक्ट होता है। तो सप्लीमेंट्स लीजिए, सेफ है, पर अपनी डॉक्टर की सलाह से लीजिए। धन्यवाद।